जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो। आज इस नए सेशन में फिर से आप लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज जो मेरा टॉपिक है कि एनएसजी कमांडो और पैरा कमांडो में दोनों में क्या अंतर है, ये लगातार लोगों को इस बातों को लेकर के डाउट में रहते हैं कि दोनों कमांडो है, दोनों जबरदस्त कमांडो, दोनों का जबरदस्त वर्क है, दोनों को अपने फील्ड में महारत है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये लगातार लोगों के मन में भ्रम होता है। तो आज हम इस चीज को भ्रम को क्लियर करते हैं कि दोनों कमांडो में अंतर क्या है, दोनों का वर्क क्या है। लेकिन आगे की टॉपिक शुरुआत करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लगातार नए से नए हर वीक वीडियो, आपको लगातार नई जानकारी, रियल लाइफ की जानकारी लगातार आपको मिलती रहेगी। तो दोनों में अंतर है कि पैरा कमांडो में पेवर आर्मी के लोग होते हैं और ये रक्षा मंत्रालय में आता है, और हमारा एनएसजी जो है गृह मंत्रालय में आता है, और इसमें ऑल फोर्सेस, अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, ऑल फोर्सेस को वहां पर कमांडो ट्रेनिंग दिया जाता है। पैरा कमांडो में जाने के लिए आपको पैरा रेजिमेंट में पहले जाना होगा, फिर आप वहां पर जाकर के फिर आप कमांडो कोर्स कर सकते हैं। और पैरा कमांडो का जो वर्क है, इतना जबरदस्त वर्क है कि डू एंड डाई, तुरंत अटैक करके पूरे को ब्लास्ट, नष्ट कर देना, महारत हासिल है इस सेक्टर में। आप देखे होंगे सितंबर 16 में जो स्ट्राइक सर्जिकल हुई थी पाकिस्तान में जा करके, कितनी बेहतरीन तरीके से, पूरी मूवी को आपने देखा होगा, उसके माध्यम से जान सकते हैं कितना बेहतर प्रदर्शन हमारे पैरा कमांडो ने किया। वहीं से पैरा कमांडो को आज विश्व जानने लगा। एनएसजी की बात रही तो एनएसजी को ऑपरेशन हाईजैकिंग, एंटी टेररिस्ट, इन चीजों में विशेष महारत हासिल है। आप देखते होंगे कि 26/11 ताज होटल का, मुंबई ताज, इतनी विशेष घटना हुई जहां से एनएसजी बहुत ही फेमस हुई, पूरे विश्व के लोग एनएसजी को जानने लगे। हाईजैकिंग में गए, बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर करके बचाए, लेकिन फिर देखिए कि वहीं पर चंद दूरी पर मरीन कमांडो थे, नेवी कमांडो थे, पेवर आर्मी के कमांडो थे, लेकिन उनको वहां पर ऑफर नहीं दिया गया। क्यों? उनका वर्क, महारत अलग वर्क में हासिल था और एनएसजी को अलग हासिल था। एनएसजी को दिल्ली से बुलाया गया, इतनी दूर से बुलाया गया, लेकिन फिर भी कम समय में पहुंचे और उस ऑपरेशन को बेहतरीन तरीके से अंजाम देकर सफल किए कि कम समय में अपने ऑपरेशन में कैसे कम से कम कैजुअल्टी हो, यह मकसद होता है। हाईजैकिंग में कैसे अच्छे से सफल अंजाम दें, बहुत आप घटनाएं देख पा रहे होंगे, अमृतसर की घटनाएं हुई थी, वहां पर एनएसजी ने बहुत विशेष प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छा इस तरीके दोनों। और एनएसजी से बीबीआईपी ड्यूटी में बहुत ही विशेष ड्यूटियों में लगाया जाता है एनएसजी कमांडो को, क्योंकि उनका भी मकसद होता है कि कहीं भी बीबीआईपी को बचाना, और जब भी कोई खतरा आए तो बीबीआईपी को कैसे बचाया जाएगा, और साथ में पब्लिक का भी कोई घटना ज्यादा ना हो। इसलिए ज्यादातर बीबीआईपी ड्यूटी में आप एनएसजी कमांडो ही पाएंगे, और आपके पैरा कमांडो केवल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे डू एंड डाई वाले हमले में, जहां से आधुनिक हथियार के सहित तुरंत उस घटने को अंजाम देना और फतेह कर देना, इस पर उनको महारत हासिल। तो कहा जाए तो दोनों कमांडो हमारे देश के गर्व के कारण है, एक से एक सुपर है, उनकी कोई अतुलनीय है, लेकिन सबका अपने अपने क्षेत्र में महारत है, सबको क्षेत्र में महारत बांटा गया कि उस क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल करें, जिसकी वजह से और बेटर वर्क हो सके, देश का नाम और रोशन हो सके, अपना भी नाम रोशन कर सके। थैंक यू दोस्तों।